स्टेशन रोड स्थित बड़वा गुरुद्वारे में 3 दिवसीय कथा व्याख्यान समागम संपन्न हुआ। पटियाला से पधारे डॉक्टर ज्ञानी भगवान सहखोजी ने वाहे गुरु अपने ईष्ट के समक्ष किस प्रकार अरदास करना है, विनती करना है, अरदास का तरीका क्या हो, विनती करते समय नम्रता हो आदि विचारों को कथा के माध्यम से संगत के समक्ष रखा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सरदार रविंदर सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि ज्ञानी जी ने अरदास बंदगी किस तरह हो इसके बारे में अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे। सचिदय सरदार मनप्रीत सिंह एवं सतविंदर सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और बताया कि जिस प्रकार ज्ञानी जी ने 4 सत्रों में अपने इष्ट से किस प्रकार अरदास विनती करें और हमारी अरदास विनती मंजूर हो जाए इस बारे में बहुत ही सटीक विचार रखे हैं। उन्होंने ज्ञानी जी एवं संगत का आभार प्रकट किया और भविष्य में इसी तरह हर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। उपयुक्त जानकारी समिति के मीडिया प्रभारी सरदार परविंदर सिंह ने दी। जिसमें सिख धर्म में जब भी अरदास होती है तो उस अरदास में एक संदेश पूरी दुनिया के नाम जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत का भला। कि हम सिख गुरुद्वारा साहिब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बोधी हो, ईसाई हो, कोई नीमी जात वाला हो, कोई भी हो, गुरुद्वारा साहिब से रोज़ एक नहीं जितने भी पूरे दुनिया में गुरुद्वारा साहिब हैं उनमें से एक अरदास होती है तेरे पाणे सरबत का। वही अरदास का मुख्य संदेश जो हम अरदास शुरू करते हैं, 2 से 2.5 मिनट की अरदास होती है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, उसमें 5 प्यारे 4 साहबजादे और सिखों की कुर्बानियाँ, हिंदुस्तान को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ सिखों ने दी और आज हमें ही उस पद्धति के ऊपर लाकर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो उन कुर्बानियों को, सिख इतिहास में जितनी कुर्बानियाँ हुई है उनको बताने के लिए हमारे पास रोज़ाना जो अरदास है उस अरदास में क्या लिखा गया है कम से कम हमको तो पता होना चाहिए, तो उसके अर्थ बताने के लिए निकले हैं। तो पूरी दुनिया में हम जा रहे हैं और जितने भी गुरु घर हैं ख़त्म हो चुके हैं और गुरु नानक की सिक्खी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे जाकर उनको सच्चाई का मार्ग और दूसरों धर्म का सत्कार कैसे करें उसके बारे में हम हर गुरुद्वारा में 3 दिन का सेमिनार रख रहे हैं।